रिटायर्ड शिक्षक ने बैंक से निकाले 30,000 रुपयों पर अज्ञात व्यक्ति ने हाथ साफ किया। मंगलवार की दोपहर 1:45 पर काशीराम पिता रामदास मंडलोई निवासी तलकपुरा उम्र 70 वर्ष रिटायर्ड शिक्षक द्वारा अपने खाते से 30,000 की राशि निकालकर बैंक से बाहर निकली और कुछ ही दूरी पर खड़ी अपनी मोटरसाइकिल पर रुपयों से भरा बैग टांगा और अपने परिचित से बात करने लगे। कुछ ही समय के पश्चात जब अपनी मोटरसाइकिल की ओर गए तब उनकी नज़र बैग पर पड़ी। जब उनका पैसों से भरा बैग गायब दिखाई दिया यह देखकर काशीराम के होश उड़ गए और उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। काशीराम की सूचना पर सब इंस्पेक्टर योगेंद्र जाधव बैंक पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर फुटेज माध्यम से चोर का पता लगाया जा रहा है। सूचना मिली थी कि बैंक में तलकपुरा के मंडलोई जी जो रिटायर्ड शिक्षक हैं पैसे निकालने आए थे, वो पैसे निकाल कर बाहर गए और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पे थैली टांगी जिसमें पैसे रखे हुए थे और थैली टांग कर वो किसी से बात करने चले गए। जब 5 मिनट हुआ तो वापस आए तो देखा थैली नहीं थी। आप क्या कर रहे हैं सर इसमें? सूचना मिली, हम जाँच कर रहे हैं और इसमें यहाँ के जो सीसी कैमरे लगे हुए उसमें भी फुटेज देख रहे हैं, जांच जारी है। क्या नाम लिखते थे? उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह जाधव। थैंक यू सर। कल बाहर निकला और वहाँ मुझे यहाँ पर से वायर लिया और वायर लेके जैसे ही गाड़ी से गया पैसे दिए मैंने थैली में रखे। कितने पैसे निकाले थे आपने? 30,000 रुपये थैली में निकाले और जैसे ही जाने वाला था तो परिचित मिल गया तो इससे वो बातचीत करने में कुछ आगे हम निकल गए, 2-3 मिनट बात करी और जैसे वापस आया तो थैली गायब। पैसे कौन ले गया आपके छीनने? आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। कोई शंका का किसी पे शंका है क्या आपको? नहीं, कोई शंका नहीं। क्या नाम लिखते हैं आप? सेगांव से। क्या रिटायर्ड संतोष गोयल की रिपोर्ट?